हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। अगर आप सभी को भी ट्रू फॉल्स, नॉट गिवन, येस नो नॉट गिवन एंड लिस्ट ऑफ एनीमे प्रॉब्लम्स आती है, सो दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर यू। सो अगर आप जानना चाहते हो कि ये कैटेगरीज को हमें सॉल्व कैसे करना है, आप एंड तक हमारी वीडियो के साथ बने रहिएगा। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग एक्सप्लेनेशन, दैट इज़ स्टेप वेल्स। सो लेट्स एवरी वन मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन कैटेगरी, जो है कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में एक बेसिक ट्रिक है, वो क्या है जी? फॉल्स में आप फाइंड आउट करो कौन सा वर्ड अपोजिट जा रहा है, आंसर फॉल्स आ गया। नॉट गिवन में फाइंड आउट करो कौन सा वर्ड एक्स्ट्रा एडेड है, नॉट गिवन चला गया। ट्रू में सब कुछ ही होएगा, कुछ भी मिसिंग नहीं होएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा एडेड नहीं होएगा, वो ट्रू बन गया। क्वेश्चन नंबर भी वन क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल्स ऑफ एंशियंट स्टेप वेल्स कैन बी फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि पूरी की पूरी दुनिया में हमें एंशियंट स्टेप वेल्स की एग्जाम्पल मिल जाएगी, आंसर इज फॉल्स, क्योंकि ऐसा था ही नहीं। इसकी लोकेशन आपको एक तो वहाँ पर हमें हेडिंग गिवन थी उसमें भी मिल जाएगी, राइट? अ मिलेनियम अगो स्टेप वेल्स वर फंडामेंटल टू लाइफ इन द ड्राइएस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, कि स्टेप वेल्स वो सिर्फ इम्पॉर्टेंट थे, कहीं पर इंपॉर्टेंट थे, सिर्फ इंडिया के पार्ट्स में ही इंपॉर्टेंट थे, दैट मीन्स पूरी दुनिया में नहीं पाए जाते, सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं। एक तो आपको यहाँ से आपका आंसर मिल गया, राइट? और आपको एक सेकेंड पैराग्राफ में भी अपना आंसर लग सकता है, कैसे? यहाँ पर लिखा है जी, मोस्ट स्टेप वेल्स आर फाउंड डॉट अराउंड द डेजर्ट एरिया ऑफ गुजरात राजस्थान, कि ज़्यादातर जो दिल्ली, राजस्थान और गुजरात जो इंडिया के पार्ट है ना, वहीं पर मिलती हैं स्टेप वेल्स, दैट मीन्स पूरी दुनिया में नहीं मिलते, वहाँ से हमारा आंसर कॉन्ट्राडिक करके फॉल्स चला गया। क्वेश्चन नंबर टू, स्टेप वेल्स हैड रेंज ऑफ फंक्शंस इन एडिशन टू दोज रिलेटेड टू वाटर कलेक्शन, कि स्टेप वेल्स के और भी बहुत सारे काम हैं, पानी कलेक्ट करना तो इसका काम है लेकिन और इसके और भी ज़्यादा काम है, आंसर इज ट्रू, ऐसा ही है। एवरी वन, इसकी लोकेशन आपको मिलेगी फर्स्ट पैराग्राफ में, फर्स्ट पैराग्राफ में मूव कीजिए। फर्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पर लिखा है जी, यहाँ पर इंडिया डेवलप्ड अ मेथड फॉर गेनिंग एक्सेस टू क्लीन फ्रेश ग्राउंड वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन फॉर ड्रिंकिंग। इंडिया ने एक मेथड क्रिएट किया ड्रिंकिंग के वास्ते, बादिंग के वास्ते, वाटरिंग एनिमल के वास्ते, इरीगेशन के वास्ते उन्होंने पानी को यूज़ किया। हैवर द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इन्वेंशन स्टेप वेल्स गोज बियॉन्ड इट्स यूटिलिटेरियन एप्लीकेशन, लेकिन जो इसकी इंपॉर्टेंस है स्टेप वेल की, वो यूटिलिटेरियन एप्लीकेशन के भी बियॉन्ड है, दैट मीन्स के इस नॉर्मल से कामों के लिए तो हेल्प हमें हेल्प करते करते है, और भी इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, दैट मीन्स कि इसके बहुत सारे फंक्शंस हो गए। सो सेकेंड का आंसर यहाँ से हमारा आंसर आ गया एवरीवन, ट्रू। क्वेश्चन नंबर थ्री इज, द फ्यू एग्जिस्टिंग स्टेप वेल्स इन दिल्ली आर मोर अट्रैक्टिव देन दोज फाउंड एल्सवेयर, कि जो दिल्ली में थोड़े से हमारे पास स्टेप वेल्स हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव है बाकियों के कंपैरेटिवली। अभी बाकी सारी बात हुई है लेकिन मोर अट्रैक्टिव की बात वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हुई। सो हमारा थर्ड का आंसर चला गया नॉट गिवन, कैसे? मैं आपको लोकेशन बताती हूँ इसकी। सेकेंड पैराग्राफ में यहाँ पर दिल्ली की बात हुई, उन्होंने लिखा है वाइल अ फ्यू ऑल्सो सर्वाइव इन दिल्ली, बस इन्होंने ये चीज़ बोलकर ख़त्म कर दी कि थोड़े से स्टेप वेल्स हमें दिल्ली में भी है। ये कहीं पर भी मेंशन नहीं किया कि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है या बहुत ज़्यादा डर्टी है, ऐसे बिल्कुल भी बात नहीं हुई, तो हमारा आंसर यहाँ से नॉट गिवन चला गया। क्वेश्चन नंबर फोर, इट टुक वर्कर्स मेनी ईयर्स टू बिल्ड द स्टोन स्टेप्स करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेप वेल्स, कि वर्कर्स को बहुत सारे साल लग गए थे ये स्टेप वेल्स बनाने को, आंसर इज नॉट गिवन। वर्कर्स को बहुत सारे साल लग गए इसकी बात ही नहीं, बाकी सारी बात हुई है स्टेप वेल्स के वेल्स को बनाने की बात हुई है, स्टेप्स को बनाने की बात हुई है, लेकिन वर्कर्स के बहुत सारे साल लगने की बात नहीं हुई, तो नॉट गिवन है। क्वेश्चन नंबर फाइव, द नंबर ऑफ स्टेप्स अबव द वाटर लेवल इन अ स्टेप वेल ऑडिटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर, सो पूरे साल के दौरान जितने स्टेप्स हमें दिखते थे वाटर लेवल के ऊपर, जितने भी स्टेप्स दिखते थे उनका जो नंबर था वो चेंज होता रहता था, आंसर फॉर दिस इज एवरीवन ट्रू, कि ऐसा ही है। जैसे जबकि बारिश ज़्यादा होती थी तो स्टेप्स कम दिखते थे, सो बारिश कम होती थी स्टेप्स ज़्यादा दिखते थे, दैट मीन्स वो नंबर तो चेंज हो गया ना उनका, कैसे? यहाँ पर लिखा है जी थर्ड पैराग्राफ में, यहाँ पर मेंशन हमें, एज देयर नेम सजेस्ट स्टेप वेल्स कंप्राइज ऑफ अ नंबर ऑफ स्टोन स्टेप्स, हमें स्टोन स्टेप्स मिलती है डिसेंडिंग फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू द वाटर सोर्स, ग्राउंड से स्टार्ट हो रहा है पानी की तरफ ये जा रहा है। As it recedes following the rains when the water level is high, the user needed only to descend a few steps to reach it. जब तो वहाँ पर पानी, जब तो रेनफॉल होती है तो वो पानी सारा भर जाता है,
इंसान को सिर्फ थोड़े से स्टेप्स नीचे जाना पड़ता है और वो पानी ले लेता है, लेकिन जब वहाँ पर रेनफॉल लो होती है तो बहुत सारे जो लेवल्स हैं उनको हमें नीचे जाना पड़ता है। दैट मीन्स कि स्टेप्स का नंबर चेंज होता रहता है बारिश के अकॉर्डिंग, साल के अकॉर्डिंग, पूरे साल में बारिश कब होएगी कब नहीं होएगी, सो साल में जो नंबर ऑफ स्टेप्स है वो चेंज होते रहते हैं। यहाँ से हमारा आंसर आ गया एवरीवन, दैट इज ट्रू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी। हमारे पास है जी कंप्लीट द क्वेश्चंस, हमने आंसर करने हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच पार्ट ऑफ सम स्टेप वेल्स प्रोवाइडेड शेड फॉर पीपल, कि कुछ ऐसे कौन से पार्ट्स है स्टेप वेल्स के जो लोगों को छांव देते थे, शेड देते थे। आंसर इज पवेलियन, पवेलियन उनको छांव देते थे। इसकी लोकेशन एवरीवन आपको मिलेगी फर्स्ट पेज पर, फर्स्ट पेज पर जो राइट हैंड साइड पर ये सेकंड पैराग्राफ है ना, वहां पर लिखा है जी, बिल्ट फ्रॉम स्टोन एंड सपोर्टेड बाय पिलर्स, दे ऑल्सो इंक्लूडेड पवेलियन दैट शेल्टर्ड विजिटर्स फ्रॉम द रिलेंटलेस हीट, कि पिलर्स भी बने हैं वहाँ पर लेकिन जो विजिटर्स हैं उनको बहुत तेज तड़ाक गर्मी से, धूप से कौन राहत देता था, कौन छांव देता था, दैट वर पवेलियंस। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया एवरीवन, पवेलियंस। क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज वट टाइप ऑफ सीरियस क्लाइमेटिक इवेंट विच टुक प्लेस इन सदरन राजस्थान इज मैंशन इन द आर्टिकल, ऐसा कौन सा एक क्लाइमेटिक इवेंट हुआ था जो साउथ के राजस्थान में हुआ था। आंसर इज ड्रॉट, वहाँ पर सोखा पड़ गया था, ड्रॉट आ गया था। सेकेंड पेज पर एवरी वन आपको राजस्थान मिलना था, सदरन राजस्थान आपको मिलना था। सदरन राजस्थान सफर्ड एन 8 ईयर ड्रॉट, वहाँ पर सोखा पड़ गया था, ड्रॉट पड़ गया था 8 साल तक। सो यहाँ से हमारा आंसर 7th का आ गया जी, ड्रॉट। क्वेश्चन नंबर 8, हु आर फ्रीक्वेंट विजिटर्स टू स्टेपवेल्स नाउ डेज, आज के टाइम में स्टेपवेल्स में कौन विजिट करते हैं। आंसर इज टूरिस्ट एवरीवन, आज के टाइम की बात ना सिर्फ लास्ट पैराग्राफ में हुई थी और कहीं पर भी नहीं हुई थी, सो टुडे की बात, आजकल के टाइम की बात यहाँ पर हुई, सो यहीं से हमारा आंसर है। कैसे, इसकी लाइन नंबर 5 से वहाँ पर लिखा है, विच हैज रिकोगनाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग दैम एज पार्ट ऑफ कंट्रीज रिच हिस्ट्री, टूरिस्ट फ्लॉक टू वेल्स इन फार फ्लंज कॉर्नर्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, कि बहुत सारे जो टूरिस्ट है, फ्लॉक का मतलब होता है झुंड बनाकर आ जाते हैं, इट मीन्स बहुत सारे टूरिस्ट अभी वहाँ पर विजिट करते हैं। कौन विजिट करता है जी, टूरिस्ट विजिट करते हैं। यहाँ से 8th का आंसर आ गया जी, टूरिस्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी नाउ। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास है टेबल कंप्लीशन, हमने यहाँ पर वन वर्ड की लिमिट और नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, हमने उसको यूज़ कर अपने आंसर्स को फाइंड करना है। पहले हमारे पास है रानी की वाव, 11th सेंचुरी में ये था बना, 500 स्कल्पचर्स इसमें डेकोरेट हुए हैं, इसको 1960s में रीस्टोर किया गया, इसकी कंडीशन एक्सीलेंट है डिस्पाइट डैश ऑफ 2001 में कुछ हुआ था, लेकिन फिर भी इसकी कंडीशन बहुत अच्छी है। आंसर इज 2001 में अर्थक्वेक आया था। हमने रानी की वाव देखना है, हमने देखना है 2001 में क्या हुआ था। रानी की वाव एवरीवन आपको मिलेगा सेकंड पेज पर, सेकंड पैराग्राफ रानी की वाव यहाँ पर। फिर 11th सेंचुरी की बात होगी, 1960s की भी बात होगी, 500 स्कल्पचर्स की भी बात होगी, जनवरी 2001 की भी बात होगी। वहाँ पर लिखा है, इनक्रेडिबली इन जनवरी 2001 दिस एंशियंट स्ट्रक्चर सर्वाइव्ड एन अर्थक्वेक, कि 2001 में क्या आया था एवरीवन, अर्थक्वेक आया था। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया जी, 9th का, अर्थक्वेक। क्वेश्चन नंबर 10, सूर्यकुंड 1026 स्टेप्स ऑन द डैश प्रोड्यूस ज्योमेट्रिकल पैटर्न, कि किसी जगह पर स्टेप्स है वहाँ पर वो ज्योमेट्रिकल पैटर्न शो करते हैं हमें। 1026 हमने फाइंड आउट करना है, सूर्यकुंड फाइंड आउट करना है एवरीवन। सूर्यकुंड हमें नेक्स्ट पैराग्राफ में मिला, 1026 हमें नेक्स्ट पैराग्राफ में मिल, उसके नेक्स्ट लाइंस में मिला गया। वहाँ पर लिखा है, इट एक्चुअली रिजेंबल्स अ टैंक, एक टैंक के जैसे लगता है, बट डिस्प्लेज द हॉलमार्क ऑफ स्टेपवेल आर्किटेक्चर इंक्लूडिंग 4 साइड्स ऑफ स्टेप्स दैट डिसेंड टू द बॉटम इन अ स्टनिंग ज्योमेट्रिकल फॉर्मेशन। वहाँ पर भी लिखा था एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न बनता है, स्टेप्स का ही बनता है, लेकिन स्टेप्स कहाँ पर है, वो 4 साइड्स में है। अभी 4 हमने वर्ड्स नंबर में लिख देना था, साइड्स हमने वर्ड्स में लिख देना था। यहाँ से हमारा आंसर आ गया 10th का, 4 साइड्स की जो स्टेप है वो 4 साइड्स पर बने हुए थे। क्वेश्चन नेक्स्ट एवरीवन, 11th, लुक्स मोर लाइक अ डैश देन अ वेल, कि ये किसी तरीके का लग रहा है, वेल के जैसा तो लग नहीं रहा, किसी और चीज़ की तरह लगता है। आंसर इज टैंक, ये टैंक की जैसा लग रहा है। सेम पैराग्राफ में मूव कीजिए सारे बच्चे, सेम पैराग्राफ में वहाँ पर लिखा है, इट एक्चुअली रिजेंबल्स, रिजेंबल्स का मतलब होता है देखने में लगना, देखने में कैसा लग रहा है, एक टैंक जैसा लग रहा है, रैदर देन अ वेल, वेल जैसा नहीं लग रहा, वो टैंक जैसा लग रहा है। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया जी, टैंक। क्वेश्चन नंबर 12th एवरीवन, यहाँ पर अभी है चांद बावरी 850 AD में था, स्टेप्स में यहाँ पर 11 stories है बॉटम तक, ओल्ड है, डीप है, काफ़ी ड्रामेटिक है, हैज़ द डैश विच प्रोवाइड अ व्यू ऑफ द स्टेप्स, इसमें
यहाँ पर कोई चीज़ है जहाँ से हमें स्टेप्स का व्यू बहुत अच्छा दिखता है, आंसर इज वेरांडास। वहाँ पर वेरांडा है जहाँ पर हमें स्टेप्स हम देख सकते हैं। लेट्स मूव एवरीवन, इसकी लोकेशन आपको मिलेगी, ये देखो आपको चांद बावरी मिल गया। फिर यहाँ पर 11 स्टोरीज की भी बात होगी, वहाँ पर लिखा है रिजल्टिंग इन अ स्ट्राइकिंग पैटर्न व्हेन सीन फ्रॉम अफार। अगर आप इसको दूर से देखो आपको बहुत अच्छा दिखने को लगेगा ये। ऑन द फोर्थ साइड वेरांडा विच आर सपोर्टेड बाय ऑर्नेट पिलर ओवर लुक द स्टेप्स, की फोर्थ साइड में वहाँ पर एक वेरांडा है जो ये स्टेप्स को देख रहा है। दैट मीन्स अगर आप वेरांडा में खड़े हो जाओ आप स्टेप्स को देख सकते हो। सो वहाँ पर भी क्वेश्चन में था कि अब कहीं से इसकी लोकेशन बहुत अच्छी दिखती है, सो वो क्या था हमारा वेरांडा। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 12th का वेरांडास। क्वेश्चन नंबर 13 एवरीवन, 13th क्वेश्चन हियर इज नीम राना की बावरी 1700 हैज टू डैश लेवल्स। इसके लेवल्स है लेकिन टू है, कौन से लेवल्स है? आंसर इज अंडर वाटर। अंडर वाटर टू लेवल्स है। हमने देखना है श्यामा की बावरी की बात, नीम राना की बावरी की बात कहाँ पर हुई है। ये पैराग्राफ में नीम राना की बावरी की बात हुई थी। फिर यहाँ पर लिखा है इट हैज 9 स्टोरी डीप विद लास्ट टू बींग अंडर वाटर। इसमें 9 स्टोरीज है लेकिन जो लास्ट टू है, वहां पर भी क्वेश्चन में हमें टू दिया था, राइट? टू लेवल्स क्या है? वो अंडर वाटर है। यहाँ से हमारा 13th का आंसर आ गया एवरीवन, अंडर वाटर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैसेज नाउ। नेक्स्ट पैसेज हियर इज हमारे पास पैसेज का नेम एवरीवन, दैट इज इजी पैसेज है ये, यूरोपियन ट्रांसपोर्ट सिस्टम 1990 से लेकर 2010। सबसे फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास है लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। हमने कुछ नहीं करना, हमने फर्स्ट टू लाइंस रीड करनी है, आंसर फाइंड आउट करना है। लास्ट टू लाइंस रीड करनी है, आंसर फाइंड आउट करना है। अगर नहीं मिला फिर हमने सेंटर में से रीड करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन हमें पहले से क्रॉस कर दिया है, क्यों? क्योंकि हमें ऑलरेडी इसका आंसर पता है। क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं, पैराग्राफ ए। सो पैराग्राफ ए एवरीवन इज यस, पैराग्राफ ए में हमने लास्ट लाइंस रीड करनी है। यहाँ पर द नंबर ऑफ कार्स ऑन यूरोपियन यूनियन रोड्स सॉ एन इंक्रीज ऑफ 3 मिलियन कार्स, की जो कार्स का नंबर था वो इंक्रीज हो गया था, वो 3 मिलियंस बढ़ गया था ईच साल, हर साल बढ़ रहा था। 1990 से लेकर 2010 में हर साल वो 3 मिलियन जो कार्स थी वो बढ़ रही थी। इन द नेक्स्ट डिकेड ईयू विल सी अ फर्दर सब्सटेंशियल इंक्रीज इन इट्स फ्लीट, कि फ्यूचर में तो और भी कार्स का नंबर जो है वो बढ़ जाएगा। दैट मीन्स कि कार्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर। यहाँ से आंसर एवरीवन हमारा 8th आ रहा है, विच इज रैपिड ग्रोथ ऑफ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मतलब कार्स, कार्स के नंबर में इंक्रीज आ रहा है, ग्रोथ आ रही है, रैपिड ग्रोथ आ रही है, 3 3 मिलियंस का वो बढ़ रहा है। सो हमारा आंसर 1 आ गया। 8 क्वेश्चन नंबर 15 पैराग्राफ बी, इसका आंसर है जी 3, विच इज चेंजेस अफेक्टिंग द डिस्टेंस गुड्स मे बी ट्रांसपोर्टेड, कि चेंजेस से जो डिस्टेंस अफेक्ट हो रहा है, दैट मीन्स कि डिस्टेंस जहाँ पर हमने गुड को ट्रांसपोर्ट करना है उसमें चेंजेस आ रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट एवरीवन, बी पैराग्राफ में मूव कीजिए, बी पैराग्राफ की नीचे से 4th लाइन। दिस फिनोमिना हैज बीन एम्फेसाइज्ड बाय, एम्फेसाइज का मतलब होता है जी फोकस्ड बाय रीलोकेशन, रीलोकेशन मतलब चेंज हो जाना, चेंज हो जानी लोकेशन, रीलोकेशन ऑफ सम इंडस्ट्रीज, दैट मीन्स कुछ इंडस्ट्रीज ने अपनी एरिया को, अपने डिस्टेंस को चेंज कर लिया है। पर्टिकुलरली दोज विच आर लेबर इंटेंसिव, जो लेबर इंटेंसिव है दैट मीन्स जिसमें लेबर बहुत ज़्यादा चाहिए, उन्होंने अपने एरियाज को चेंज कर लिया टू रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट, अपने कॉस्ट को डिक्रीज करने के लिए। इवन दो द प्रोडक्शन साइट इज हंड्रेड्स एंड इवन थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे, सो जो प्रोडक्शन साइट है अभी हमारी वो बहुत ज़्यादा दूर होगी। दैट मीन्स कि डिस्टेंस जहाँ पर हमने अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है जो यूजर से, वो प्रोडक्शन साइट है वो बहुत ही दूर होगी। दैट मीन्स कि डिस्टेंस की बात होगी, डिस्टेंस वहाँ पर चेंज हो रहा है। सो 15th का आंसर आ गया एवरीवन हमारा 3। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 16 पैराग्राफ सी, इसका आंसर है जी 9, ट्रांसपोर्ट ट्रेंड्स इन कंट्रीज अवेटिंग ईयू एडमिशन, कि अभी क्या है, कैसे ट्रांसपोर्ट ट्रेंड्स हैं उन कंट्री में जहाँ पर ईयू की एडमिशन अभी होनी है। सी पैराग्राफ में मूव कीजिए सारे बच्चे, सी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइंस, द स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपेक्टेड इन कंट्रीज विच आर कैंडिडेट्स फॉर एंट्री। अभी उनको एंट्री नहीं मिली, वो अभी वो कैंडिडेट्स हैं, कि अभी हम स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देख सकते हैं कंट्रीज में जिन, जो अभी कैंडिडेट है एंट्री के वास्ते, किस में एंट्री में, ईयू के एंट्री के वास्ते, विल ऑल्सो इंक्रीज ट्रांसपोर्ट फ्लोज, उन कंट्रीज में भी ट्रांसपोर्ट जो है उनका जो फ्लो है वो इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स कि ट्रेंड, ट्रांसपोर्ट के ट्रेंड जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे उन कंट्रीज में जो अभी एंट्री ले रहे हैं, जो भी जिनको अभी एडमिशन नहीं मिली है। सो सी का आंसर एवरीवन, यहाँ से हमारा आंसर आ गया विच इज 11th। क्वेश्चन नंबर 17 पैराग्राफ डी, इसका आंसर है जी 1, विच इज
अ फ्रेश एंड इम्पॉर्टेंट लॉन्ग टर्म गोल, एक कुछ नया सा इन्होंने गोल बनाया है. लेट्स मूव टू डी पैराग्राफ, फर्स्ट लाइन से क्लियर है आपको. हैव अ न्यू इम्पेरेटिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर अडेप्टिंग द ईयू कॉमन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी. एक अभी नई नई और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब जो चीज़ लंबे समय तक मूव कर सके, राइट? सस्टेनेबल तो वही चीज़ होती है. एक न्यू और लॉन्ग टर्म उन्होंने अपॉर्चुनिटी ऑफर की है ट्रांसपोर्ट पॉलिसी को. इवन लास्ट लाइन्स में भी वहां पर लिखा है जी, द फर्स्ट इसेंशियल स्टेप टूवर्ड्स अ सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम विच विल आइडली बी इन प्लेस इन 30 ईयर्स टाइम, कि 30 साल के टाइम में हम उसको अभी यहाँ पर ले आएंगे. दैट मीन्स ये लॉन्ग टर्म होएगा. यहाँ से डी का आंसर आ रहा है एवरी वन, फ्रेश वाला, विच इज ऑप्शन नंबर वन. क्वेश्चन नंबर 18 पैराग्राफ ई, इसका आंसर है जी 5, इन्वायरमेंटल कॉस्ट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, की रोड में ट्रांसपोर्ट तो चल रहा है लेकिन इन्वायरमेंट को क्या कीमत चुकानी पड़ रही है उसकी. ई पैराग्राफ में मूव कीजिए, यहाँ पर सिर्फ इन्वायरमेंटल कॉस्ट की बात हुई. यहाँ पर लिखा है जी, एनर्जी कंजम्पशन इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर वॉज टू ब्लेम फॉर 28% ऑफ एमिशंस ऑफ CO2, कि जितनी हम ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज कर रहे हैं 28% जो CO2 है उसकी वजह से ही बाहर निकल रही है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट हो रहा है. इसकी वजह से ट्रैफिक में ग्रोथ है, CO2 और इंक्रीज हो रही है. यहाँ पर फिर पोल्यूशन 50% से ज़्यादा इंक्रीज हो गया, इतने टन्स का वहाँ पर पोल्यूशन हो रहा है. इवन 84% कार्बन एमिशन जो है वो ऐसे ट्रांसपोर्ट से हो रही है जो अपनी एनर्जी को और भी अच्छा बनाना चाहते हैं. सो यहाँ पर सिर्फ पोल्यूशन 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 की बात होगी. दैट मीन्स कि इन्वायरमेंट को कितना ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है. सो ई पैराग्राफ का यहाँ से हमारा आंसर आ गया, विच इज़ 5. क्वेश्चन नंबर 19 एवरीवन, पैराग्राफ जी, इसका आंसर है जी 10, रिस्ट्रिक्टिंग रोड यूज थ्रू चार्जिंग पॉलिसीज अलोन, कि अभी हम रोड के यूज को कम कर रहे हैं सिर्फ पैसे चार्ज कर कर ही. लेट्स मूव टू जी पैराग्राफ. जी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन्स, द फर्स्ट अप्रोच वुड कंसिस्ट ऑफ फोकसिंग ऑन रोड ट्रांसपोर्ट सोली, हम सबसे पहले सिर्फ रोड ट्रांसपोर्ट के ऊपर फोकस करेंगे. थ्रू प्राइसिंग, सिर्फ प्राइसिंग ही कर देंगे, सिर्फ कॉस्ट इंक्रीज कर देंगे तो रोड ट्रांसपोर्ट के ऊपर फोकस हो जाएगा. दिस ऑप्शन वुड नॉट बी अकम्पनीड बाय कॉम्प्लीमेंट्री मेजर्स इन द अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसके साथ हम और कोई मेथड नहीं यूज करने लगे, हम सिर्फ और सिर्फ प्राइसिंग ही यूज करने लगे हैं. सो यहाँ से हमें अभी दो आंसर लग रहे थे पहले, अभी उसमें से हमारा सिर्फ एक आंसर बच गया, विच इज जस्ट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कॉस्ट वाला. सो इसका आंसर आ गया एवरीवन हमारा 10, रिस्ट्रिक्टिंग रोड यूज थ्रू चार्जिंग पॉलिसीज ओनली. हमने एडिशनल उसमें कुछ नहीं यूज किया, हमने सिर्फ कॉस्ट इंक्रीज की थी, चार्जिंग करनी स्टार्ट कर दी थी. क्वेश्चन नंबर 20 पैराग्राफ एच, इसका आंसर है जी 2, विच इज चार्जिंग फॉर रोड्स एंड इम्प्रूविंग अदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम मेथड्स. अभी ये आंसर हमें पहले का लग रहा था, राइट? लेकिन वहां पर सिर्फ चार्जिंग की बात हुई थी, अभी चार्जिंग के साथ साथ हम बाकी मेथड्स को इम्प्रूव भी कर रहे हैं उसकी भी बात हुई है. लेट्स मूव एवरीवन टू द एच पैराग्राफ. एच पैराग्राफ में मूव करते हैं, आपको फर्स्ट लाइन से क्लियर हो जाएगा. द सेकेंड अप्रोच ऑल्सो कंसेंट्रेट ऑन रोड ट्रांसपोर्ट प्राइजिंग, हमने यहाँ पर भी चार्जिंग की है बट इज अकम्पनीड, अकम्पनीड का मतलब होता है ज्वाइन हो जाना, बट इज जॉइंड बाय मेजर्स टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ अदर मोड्स, लेकिन हमने बाकी मोड्स को बेटर बनाने की कोशिश की है, उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने की कोशिश की है. दैट मीन्स चार्जिंग के साथ साथ हमने इम्प्रूवमेंट करनी स्टार्ट कर दी. यहाँ से एवरीवन हमारा एच का आंसर आ गया जी ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 21 पैराग्राफ आई, इसका आंसर है जी 4, टेकिंग ऑल द स्टेप्स नेसेसरी टू चेंज द ट्रांसपोर्ट पैटर्न्स. अभी हम सारे के सारे स्टेप्स ले रहे हैं ताकि हम ट्रांसपोर्ट पैटर्न्स को चेंज कर सकें. लेट्स मूव एवरीवन टू पैराग्राफ आई, फर्स्ट लाइन से क्लियर है यहाँ से. द थर्ड अप्रोच विच इज़ नॉट न्यू कंप्राइजेज अ सीरीज ऑफ मेजर्स. अभी हम बहुत सारे स्टेप्स ले रहे हैं रेंजिंग फ्रॉम प्राइजिंग, पहले स्टेप से स्टार्ट होकर, प्राइजिंग से स्टार्ट होकर रिवाइटलाइजिंग तक हम मूव कर रहे हैं. सो हम सारे की सारे जो इन्वेस्टमेंट है उसको ट्रांस यूरोपियन नेटवर्क में यूज़ कर सके. दैट मीन्स कि हमने बहुत सारे स्टेप्स यहाँ पर यूज़ किए हैं, हमने सारे के सारे स्टेप्स को यूज़ कर लिया. सो पैराग्राफ आई का यहाँ से हमारा आंसर आया एवरीवन ऑल द स्टेप्स वाला, विच इज़ अवर ऑप्शन नंबर 4, दैट इज टेकिंग ऑल द स्टेप्स नेसेसरी टू चेंज ट्रांसपोर्ट पैटर्न्स. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी नाउ. अभी हमारे पास जो कैटेगरी है दैट इज ट्रू फॉल्स नॉट गिवन. क्वेश्चन नंबर 22 इज द नीड फॉर ट्रांसपोर्ट इज ग्रोइंग डिस्पाइट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, कि हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है लेकिन फिर भी जो ट्रांसपोर्ट की जरूरत है वो भी बढ़ रही है. आंसर इज ट्रू एवरीवन. फर्स्ट पेज पर मूव कीजिए, सॉरी फर्स्ट पैराग्राफ में, फर्स्ट पैराग्राफ में लाइन नंबर 2 से, ऑल्दो मॉडर्न इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज कैन रिड्यूस द डिमांड फॉर फिजिकल ट्रांसपोर्ट बाय फैसिलिटेटिंग टेलीवर्किंग एंड टेली सर्विसेज, कि नो डाउट अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें उससे जो डिमांड है
कि हमें ट्रांसपोर्ट, हमें कार्स यूज़ करनी है, वो कम होनी चाहिए. द रिक्वायरमेंट फॉर ट्रांसपोर्ट कंटिन्यूज टू इंक्रीज. लेकिन फिर भी जो ट्रांसपोर्ट है, जो कार्स है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, उसकी डिमांड बढ़ रही है टेक्नोलॉजी के होने के बावजूद भी. सो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ गया, आंसर इज ट्रू कि टेक्नोलॉजी के होने के बावजूद भी जो ट्रांसपोर्ट की डिमांड है वो बढ़ रही है. क्वेश्चन नंबर 23, टू रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट सम इंडस्ट्रीज हैव बीन मूव्ड क्लोजर टू द रिलेवेंट कस्टमर्स. कि प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करने के वास्ते कुछ इंडस्ट्रीज कस्टमर्स के पास चली गई हैं. आंसर इज फॉल्स, क्योंकि कस्टमर्स से वो दूर गई थी. बी पैराग्राफ में मूव कीजिए सारे बच्चे. बी पैराग्राफ में अगर आप जाइए, बी पैराग्राफ की लास्ट लाइन्स में लिखा है, टू रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट इवन दो द प्रोडक्शन साइट इज हंड्रेड्स एंड इवन थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर अवे. अवे मतलब दूर फ्रॉम द फाइनल असेंबली पॉइंट एंड अवे फ्रॉम यूजर. यूजर मतलब कस्टमर. कस्टमर से भी वो थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर है, और असेंबली प्लांट से भी. क्वेश्चन में बोला नहीं, वो तो नज़दीक है. यहाँ से कॉन्ट्राडिक्ट करके हमारा आंसर आ गया जी फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 24, कार्स आर प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव इन सम ईयू कैंडिडेट कंट्रीज. जो कार्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है कुछ ईयू कंट्रीज़ में. आंसर इज नॉट गिवन. उसके एक्सपेंसिव होने की बात कहीं पर नहीं हुई. ईयू कैंडिडेट कंट्रीज़ की बात हुई है, कार्स की बात हुई है, लेकिन उसका ये कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है इसकी बात नहीं हुई. अगर आप मूव कीजिए सी पैराग्राफ में, यहाँ पर मैंशन है, यहाँ पर ये बोला उन्होंने कि हम ज़्यादा कार्स को इम्पोर्ट करवा रहे हैं, एक्सपोर्ट करवा रहे हैं, इससे रोड ट्रांसपोर्ट इंक्रीज़ हो रहा है. लेकिन ये बिल्कुल नहीं मैंशन किया कि कार्स ही महंगी हो गई है. सो ये इसके बारे में बात नहीं हुई, तो आंसर नॉट गिवन चला गया. नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन इज 25. द गोथेनबर्ग यूरोपियन काउंसिल वॉज सेटअप 30 years ago. 30 साल पहले ये जो गोथेनबर्ग यूरोपियन काउंसिल थी वो सेटअप हुई थी. आंसर इज नॉट गिवन. 30 years की बात हुई है, गोथेनबर्ग काउंसिल की बात हुई है, लेकिन ये कि वो 30 साल पहले इस्टेब्लिश हुई थी वो बात रॉन्ग है. गोथेनबर्ग की बात होगी. अभी इनका इन्होंने ये बोला था कि ये आइडिया हम 30 years में इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन इसकी बात नहीं हुई कि ये गोथेनबर्ग ही वहाँ पर उस टाइम में इस्टेब्लिश हुई थी. तो आंसर इसमें ये लिंकिंग नहीं थी ना, तो यहाँ से आंसर नॉट गिवन चला गया. नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पैसेज. बाय द एंड ऑफ दिस डिकेड, इस 10 साल के ख़त्म होते ही CO2 एमिशन फ्रॉम ट्रांसपोर्ट आर प्रिडिक्टेड टू रीच 739 बिलियन टन्स. कि 739 बिलियन टन्स CO2 एमिशन हो जाएगी. आंसर इज फॉल्स, क्योंकि वो पहले से ही इतनी है. कैसे, एवरीवन मूव कीजिए जी ई पैराग्राफ में, क्योंकि CO2 एमिशन की बात वहाँ पर हुई है. यहाँ पर लाइन नंबर 4 में लिखा है जी, CO2 emissions for from transport can be expected to increase by around 50%. वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगी. 1113 बिलियन टन पहुँच जाएंगी 2020 में, कंपेयर्ड विद 739 बिलियन टन रिकॉर्डेड इन 1990. 1990 में वो इतनी थी, फ्यूचर में तो वो 1113 बिलियन होनी थी. दैट मीन्स कि यहाँ से कॉन्ट्राडिक्ट हो गया. वो बोल रहे हैं अगले 10 सालों के एंड में वो 739 होनी चाहिए, लेकिन ये तो पहले से 739 है. सो यहाँ से कॉन्ट्राडिक्शन होके हमारा आंसर चला गया फॉल्स. नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट पैराग्राफ एवरीवन. लास्ट पैसेज हमारा है द साइकोलॉजी ऑफ इनोवेशन. इसकी जो फर्स्ट कैटेगरी है वो क्या है जी, इट इज MCQ. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, सो द क्वेश्चन इज द एग्जाम्पल ऑफ द मिलियन डॉलर क्वार्टर्ड अंडरलाइज द राइटर्स पॉइंट अबाउट. जो मिलियन डॉलर का क्वार्टर्ड है वो किस पॉइंट को बता रहा है. आंसर इज सी, हैविंग अ शेयर्ड ऑब्जेक्टिव. कि उन दोनों का, सभी का गोल जो था वो सारा सेम था. एवरी वन क्वार्टर्ड होता है, जो म्यूजिकल ग्रुप में 4 बंदे होते हैं उसको क्वार्टर्ड बोलते हैं. लेट्स मूव टू द फर्स्ट पैराग्राफ एवरी वन. फर्स्ट पेज पर जो आपको पैराग्राफ नंबर मिलेगा 3, लेफ्ट हैंड साइड पर जो पैराग्राफ नंबर 3 है ना, आपको वहां पर जाना है. अभी आपने रीड करना है, स्टार्ट करना है एवरी वन फ्रॉम द नीचे से 4th लाइन. यहाँ पर लिखा है जी, सन स्टूडियोज इन मेम्फिस टेल्स अ हिडन स्टोरी. एक हमें छुपी हुई स्टोरी बता रहे हैं. सन्स मिलियन डॉलर क्वार्टर्ड कुड हैव बीन अ क्विंटेट. कि जो 4 लोगों का ग्रुप था वो 5 लोगों का ग्रुप बन सकता था. मिसिंग फ्रॉम द पिक्चर इज रॉय ऑर्बिसन. सो एक बंदा उसमें नहीं था, वो था रॉय, अ ग्रेटर नेचुरल सिंगर देन लुइस पर्किंस एंड कैश. ये इन तीनों इंसानों से सबसे अच्छा था, राइट. सैम फिलिप्स who owned Sun wanted to revolutionize popular music with songs that fused black and white music and country and blues. लेकिन जो सन का वो ओनर था ना, वो चाहता था कि वो एक न्यू ट्रेंड लेकर आए. पार्सले, कैश, परकिन और लुइस तो ये सी चीज़ समझ गए, लेकिन और भी सन ये समझ नहीं पाया, जिसकी वजह से वो उस ग्रुप का पार्ट नहीं बना. दैट मीन्स कि उस 4 बंदों की बात क्यों हुई है, ताकि वो ये शो कर सके कि इन सभी का जो मोटिव था, जो गोल था, वो एक ही था. सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया, हैविंग अ शेयर्ड ऑब्जेक्टिव. क्वेश्चन नंबर 28,
James Watson suggests that he and friend Francis Crick won the race to discover DNA code because उसने और फ्रांसिस ने दोनों ने जो रेस थी डीएनए कोड को फाइंड करने की वो रेस जीत ली थी. कैसे? आंसर इज ए वर कॉन्शियस अबाउट देयर ओन लिमिटेशंस, क्योंकि उनको पता था उनके अंदर कमियां क्या है, इसकी वजह से वो जो रेस थी उसको जीत पाए थे. एवरीवन सेकंड पेज पर मूव कीजिए. सेकंड पेज पर जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना वहाँ पर लिखा है जी नीचे से सेवेंथ लाइन में, ही सेड ही एंड क्रिक हैड सक्सीडेड, वो दोनों जीत गए. क्यों? बिकॉज दे वर अवेयर, उनको पता था दैट दे वरंट द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ साइंटिस्ट परसुइंग द आंसर, क्योंकि उनको पता था कि सिर्फ ये ही दो बंदे इंटेलिजेंट नहीं है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो उनसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है. दैट मीन्स कि उनको अपनी खामियों के बारे में पता था. यहाँ से एवरीवन 28 का आंसर आ गया हमारा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 29, द राइटर मेंशंस कॉम्पिटिशन ऑन ब्रेकफास्ट सीरियल पैकेट्स एज एन एग्जाम्पल ऑफ, कि जो कॉम्पिटिशन था ब्रेकफास्ट सीरियल पैकेट के ऊपर उसके एग्जाम्पल क्यों दिए राइटर ने. आंसर इज डी स्ट्रेंथ एंड कमिटमेंट टू एन आइडिया, ताकि वो ये शो कर सके कि वो एक आइडिया को लेकर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, स्ट्रेंथन्ड है. लेट्स मूव एवरीवन टू द सेकंड पेज, जो लेफ्ट हैंड साइड पर लास्ट पैराग्राफ आएगा ना वहाँ पर उसकी बात हुई है. यहाँ पर लिखा है उन्होंने बोला हमने राइटिंग करनी है, विजुअलाइज करना है, और फिर उसको एज अ प्रोटोटाइप यूज़ कर देखना है कि उनको न्यू आइडियाज आ रहे हैं या नहीं. Caldini cites scores of research paper and historical events that prove that even something as simple as writing deepens every individual's engagement in the project. कि अगर हम simple way में सिर्फ लिखना ही start कर देना तो एक इंसान की जो engagement है project में वो बहुत ही ज़्यादा deepen हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा strong हो जाएगी. So उन्होंने एक competition रखा कि आप सबको क्या करना है, आप सबको बस इस ब्रेकफास्ट वाला जो पैकेट है ना इसके ऊपर ये लिखना है कि मुझे ये जो सीरियल है ये कॉर्नफ्लेक्स है मैं बहुत पसंद है. सो सिर्फ इतनी चीज़ लिखने से ही आप क्या होएगा, आपको ये लगने लग पड़ जाएगा कि सच्ची में ये तो मुझे बहुत पसंद है. दैट मीन्स कि वो आपके अंदर जो आइडिया था वो डीप चला गया ना, कि हाँ मुझे सच्ची में ये कॉर्नफ्लेक्स पसंद है. सो राइटिंग डीपन्स द एंगेजमेंट, इससे आपका आइडिया जो है, आपकी कमिटमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है. सो 29 का आंसर एवरीवन, यहाँ से हमारा आंसर आ गया डी. क्वेश्चन नंबर 30, इन द लास्ट पैराग्राफ द राइटर सजेस्ट दैट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एम्प्लॉयज टू, राइटर ने बोला लास्ट पैराग्राफ में कि वर्कर्स के वास्ते कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है. क्या इंपॉर्टेंट है? आंसर इज बी, फील दैट देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस आर वैल्यूड. ये वर्कर्स को ये फील होना चाहिए कि उनको वैल्यू किया जाता है, उनकी जो कोशिश है उनको सहारा जाता है, सराहा जाता है. एवरीवन लाइन नंबर 5 में यहाँ पर लिखा है लीडर्स शुड एनकरेज एवरीवन टू कॉन्ट्रीब्यूट, लीडर को बोलना चाहिए कि हर एक बंदा कॉन्ट्रीब्यूट करे, एंड साइमल्टेनियसली अश्योर ऑल कंसर्न दैट एवरी रिकमेंडेशन इज इंपॉर्टेंट. और जिस भी इंसान ने फिर कुछ रिकमेंडेशन दी है, कुछ एडवाइस दी है, हमें उनको ये फील करवाना चाहिए कि उनकी रिकमेंडेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी राइट डिसीजन बनाने के लिए, और हमें उनको फुल अटेंशन देना चाहिए. दैट मीन्स कि हमें उनकी रिकमेंडेशन को वैल्यू करना चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए. यहाँ से एवरीवन हमारा 30th का आंसर आ गया, दैट इज बी. द नेक्स्ट कैटेगरी हेयर इज मैचिंग द हाफ सेंटेंसेज. क्वेश्चन नंबर 31 इज इम्प्लॉयज हुज वैल्यूज मैच दोज ऑफ देयर एम्प्लॉयर्स आर मोर लाइकली टू आंसर इज जी रिमेन इन देयर जॉब्स. जो वर्कर्स और जो बॉस की वैल्यूज आइडियाज़ एक दूसरे से मैच करते हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक एक जॉब में टिकेंगे. एवरीवन इसकी लोकेशन आपको मिलेगी फर्स्ट पेज पर. सभी फर्स्ट पेज पर मूव कीजिए. फर्स्ट पेज पर एवरीवन सेकंड पैराग्राफ में लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर लिखा है रिसर्च शोज दैट इन लाइन नंबर 5 दैट द फिट बिटवीन एंड एम्प्लॉयज़ वैल्यू. फिट मतलब मैच करना, मैच एम्प्लॉय की वैल्यू कर रही है और कंपनी की वैल्यू मतलब बॉस की वैल्यूज अगर दोनों मैच कर रही हैं मेक्स अ डिफरेंस टू वट कॉन्ट्रीब्यूशन दे मेक, तो उनका फर्क पड़ेगा. विद 2 ईयर आफ्टर दे ज्वाइन दे आर स्टिल इन कंपनी, तो पता चलेगा कि हाँ 2 साल के बाद अभी भी वो कंपनी में है या नहीं है. दैट मीन्स कि जितना ज़्यादा उनकी वैल्यूज मैच करेंगी उतना लंबा टाइम वो अपनी कंपनी में गुजारेंगे, उतना लंबी उनकी जॉब होएगी. सो यहाँ से एवरीवन 31 का आंसर हमारा आ गया, दैट इज जी. क्वेश्चन नंबर 32, एट टाइम्स ऑफ चेंज पीपल टेंड टू, जब चेंज की टाइम आता है तब लोग क्या करते हैं. आंसर इज ई अवॉइड रिस्क, तब लोग रिस्क को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं. अगेन फर्स्ट पेज पर मूव कीजिए सारे बच्चे. फर्स्ट पेज पर आपने मूव करना है जी राइट हैंड साइड पर, जो सेकंड पैराग्राफ है यहाँ पर लिखा है लाइन नंबर 4 में व्हेन थिंग्स चेंज, जब चीज़ें चेंज हो जाती हैं वी आर हार्ड वायर टू प्ले इट सेफ, तो हम सेफ प्ले करना स्टार्ट कर देते हैं. अगर सेफ प्ले करते दैट मीन्स हम रिस्क नहीं लेते ना. सो जब चीज़ें चेंज होनी स्टार्ट होती है तब हम रिस्क लेना बंद कर देते हैं. यहाँ से हमारा 32 का आंसर आ गया, दैट इज एफ.
क्वेश्चन नंबर 33 एवरीवन, सॉरी 32 का आंसर आ गया ई। हम चेंज को रिस्क को अवॉइड करते हैं, हम सेफ प्ले करते हैं। 33rd इज इफ पीपल आर अवेयर ऑफ व्हाट दे माइट लूज दे विल ऑफन, अगर लोगों को पता चल जाए कि वो क्या चीज़ गुमा देंगे गवा देंगे, दे विल ऑफन, तो वो कुछ करेंगे। आंसर इज टेक चांसेस, तो वो रिस्क लेना स्टार्ट कर देंगे। सेम पैराग्राफ में मूव कीजिए सारे बच्चे, जब हमने अभी अभी मूव किया था, सेम पैराग्राफ में मूव करने हैं आपने। नीचे से फिफ्थ लाइन से रीड करना है, दे शुड एक्सप्लेन व्हाट स्टैंड्स टू बी लॉस्ट, उनको बताना चाहिए कि वो क्या चीज़ गवा देंगे इफ कंपनी फेल्स टू सीज अ पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी, अगर कंपनी को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो वो कुछ चीज़ गवा देगी। स्टडीज शो दैट वी इनवेरिएबली टेक मोर गैम्बल्स, तब हम ज़्यादा जुआ खेलते हैं, तब हम ज़्यादा रिस्क लेते हैं जब हमें पता होता है कि हमने कोई चीज़ गवा देनी है, हमने कोई चीज़ लॉस कर देना है। यहाँ से 33rd का एवरीवन आंसर हमारा आ गया ए की, तब हम ज़्यादा चांसेस लेते हैं, तब हम ज़्यादा रिस्क लेने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, पीपल वर्किंग अंडर अ डोमिनेंट बॉस आर लायबल टू, जो लोग एक स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट जो पावरिंग बॉस है उसके अंदर काम करते हैं, वो लोग क्या होते हैं? आंसर इज इग्नोर देयर ड्यूटीज, वो अपने ड्यूटीज को इग्नोर कर देते हैं। लेट्स मूव एवरीवन, इसकी बात कहाँ पर हो रही है? इसकी बात हो रही है जी सेकेंड पेज पर। सेकेंड पेज पर आपको जो राइट हैंड साइड पर अथॉरिटी डज नॉट वाला पैराग्राफ है वहाँ पर रीड करना है। Authority doesn't have to inhibit innovation, but it often does. कि अगर कोई dominant अगर authority है उससे आपकी innovation रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन ये अचानक रुक जाती है। The wrong kind of leadership will lead to what Caldini calls captainist. कि अगर आपकी leadership ही wrong है तो आप captainist को feel करेंगे। The regrettable tendency of team members to opt out of team responsibilities. तब team members अपनी team responsibilities को ही निभाना बंद कर देंगे, वो ऑप्ट आउट करेंगे। दैट मीन्स कि वो उसको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपरली अपना नहीं समझेंगे और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल ही नहीं करेंगे। सो यहाँ से 34th का आंसर आ गया, दैट इज एफ, कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से परफॉर्म नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे अपनी ड्यूटीज को। क्वेश्चन नंबर 35, एम्प्लॉयज वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन विद फ्यू रूल्स आर मोर लाइकली टू, जो एम्प्लॉयज एक कंपनी में काम करते हैं जिसमें कम रूल्स हैं वो क्या करते हैं? आंसर इज बी, वो अपने आइडियाज को ज्यादा शेयर करते हैं। लेट्स मूव एवरीवन, इसकी लोकेशन पे भी हमें वहीं पर मिलेगी नेक्स्ट पैराग्राफ में। लाइन नंबर 3 में रीड कीजिए, द ओनली रूल वॉज दैट देर वॉज नो रूल, अगर एक ही रूल हो कि कोई रूल ना हो, द इन्वायरमेंट एनकरेज अ फ्री इंटरचेंज ऑफ आइडियाज, तो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट होएगा जिसमें वो एक दूसरे के आइडियाज को चेंज करेंगे, दैट मीन्स आइडियाज ईजिली शेयर करेंगे। Now the last category that we have here is yes, no, not given. Question number 36. The physical surrounding in which a person works play a key role in determining their creativity. जैसे environment में एक इंसान काम करता है उससे ही creativity एक इंसान के अंदर आती है. Answer for this is no, कि ऐसा बिल्कुल नहीं है. इसकी location everyone आपको first paragraph में मिलेगी. First paragraph में move कीजिए सारे बच्चे. फर्स्ट पैराग्राफ में लाइन नंबर 4 में गिवन है, देयर आर नेवरदलेस पीपल वर्किंग इन लग्जीरियस स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर्स, कुछ लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा आलिशान एरिया में काम करते हैं डिजाइन टू स्टिमुलेट इनोवेशन, ताकि उनके अंदर इनोवेशन आए, लेकिन उनका इन्वायरमेंट उनको वो फील ही नहीं होने देता। देयर आर दोज, फिर हमारे पास ऐसे लोग आते हैं हु डू नॉट हैव बजट, जिनके पास बजट ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव है। दैट मीन्स क्रिएटिविटी इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग नहीं आती ना, जैसा अगर अच्छा इन्वायरमेंट है तो हम कभी कभी कम क्रिएटिव होते हैं, अगर हमारा इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होता तो हम ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। दैट मीन्स कि इन्वायरमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है। सो यहाँ से हमारा आंसर कॉन्ट्रडिक्ट करके नो करा। क्वेश्चन नंबर 37, मोस्ट पीपल हैव पोटेंशियल टू बी क्रिएटिव, ज़्यादातर लोग क्या है क्रिएटिव हो सकते हैं। आंसर इज येस एवरीवन, अगेन हमने फर्स्ट पैराग्राफ में फर्स्ट पेज पर मूव करना है जी। फर्स्ट पेज पर मूव कीजिए, पैराग्राफ नंबर 2 में रीड करना है नीचे से 3rd लाइन। ऑल्दो सम इंडिविजुअल्स मे बी मोर क्रिएटिव देन अदर्स, कुछ इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। ऑलमोस्ट एवरीवन कैन बी क्रिएटिव, लेकिन कोई भी इंसान क्रिएटिव हो सकता है। सो यहाँ से हमारा आंसर 37th का आंसर आ गया जी येस। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 38, टीम्स वर्क बेस्ट व्हेन देयर मेंबर्स आर ऑफ इक्वली मैच्ड इंटेलिजेंस, एक टीम तब अच्छे तरीके से काम करती है जब सभी के सभी मेंबर्स की इंटेलिजेंस एक जैसी है। आंसर इज नॉट गिवन, क्यों? क्योंकि हर एक टीम मेंबर्स का अलग अलग एक आइडिया होते हैं, पर्सपेक्टिव होते हैं, और बेस्ट वर्क करने की बात ही नहीं हुई कहीं पर भी।
क्वेश्चन नंबर 39, इट इज इजियर फॉर स्मॉलर कंपनीज टू बी इनोवेटिव. इनोवेटिव भी बोल रहा है जी, कंपनीज की भी बात हुई, लेकिन ये बिल्कुल बात नहीं कि स्मॉलर कंपनीज ज़्यादा ज़्यादा इनोवेटिव है और उनके लिए ईजी है, ये इसकी बात नहीं है. तो ये भी आंसर नॉट गिवन गया. क्वेश्चन नंबर 40th, अ मैनेजर्स अप्रूवल ऑफ एन आइडिया इज मोर परसुएसिव देन दैट ऑफ द कॉलीग्स. कि अगर किसी मैनेजर ने आइडिया को अप्रूव कर दिया वो ज़्यादा कन्विंसिंग है, कॉलीग्स ने अगर उसको अप्रूव कर दिया तो इतना कन्विंसिंग नहीं है. इसका आंसर ऑपोजिट है, नो है इसका आंसर. क्यों? सेकेंड पेज पर मूव कीजिए आप सभी, जो आपके पास ना लेफ्ट हैंड साइड लास्ट सेकेंड पैराग्राफ है वहाँ पर लिखा है जी, कैल्डिनी इज नॉट अलोन इन एडवोकेटिंग दिस स्ट्रैटेजी. रिसर्च शोज दैट पीयर पावर यूज हॉरिजॉन्टली नॉट वर्टिकली इज मच मोर पावरफुल. कि अगर आप पीयर पावर को यूज़ करो हॉरिजॉन्टली, दैट मीन्स आपके सारे के सारे जो इम्प्लॉयज हैं एक दूसरे की हेल्प करो, वो ज़्यादा पावरफुल है एक बॉस की स्पीच से. दैट मीन्स कि मैनेजर इतना ज़्यादा वर्क नहीं अच्छे से कर सकता जितना पीयर पावर वर्क कर सकता है. सो यहाँ से 40th का आंसर एवरीवन कॉन्ट्रडिक्ट करके क्या बन गया, आंसर बन गया हमारा नो. So this is the way everyone we solve yes no category, list of headings, matching information as well as the box blanks. So I hope ये सारी की सारी categories आपको easily समझ लगी हो. अगर आपको किसी भी category में कोई भी doubt है आप हमें बता सकते हो, आप comment कर बता सकते हो, हम आपको help करने के लिए ready हैं. और हम अपना हर रोज fresh writing sample answers भी डालते हैं खुद लिख कर, हम अपने Instagram में भी post करते हैं, we have a Telegram account as well. Try to follow that, try to join that, ताकि आपको भी जो new और updated material है वो easily मिल सके. Thank you everyone.